नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस वैश्विक महामारी कोरोना में हम लोग बहुत परेशान हैं। आखिर परेशान भी क्यों ना हो, इस वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व में अपने पैर पसारे हुआ है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, स्टे होम एंड स्टे सेफ, अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। और इस वीडियो में दोस्तों मैं एक खास तरीके के इन्वेस्टमेंट की बात करूँगा जो हम सभी को करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों की जॉब जा चुकी है, रेगुलर इनकम का कोई सोर्स नहीं है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा, जो आपकी सेविंग्स है उसमें से इमरजेंसी फंड को, यानी कभी भी आपको जो जरूरत पड़े उस फंड को निकाल के कुछ पैसे आप एक बेहतरीन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। दोस्तों, आप लोग हमेशा अपने दिमाग में ये रखिए कि आने वाला भविष्य हमारे देश के लिए बहुत सारी संभावनाओं का देश होगा। तो दोस्तों, आप कहीं भी जाएं, बाहर से आएं या घर से बाहर जाएं, तो वहाँ आप अपने हैंड वॉश जरूर कीजिए झागदार साबुन से, या किसी, अगर पानी की व्यवस्था ना हो, पानी ना मिले, तो आप सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, कभी भी बाहर जाइए तो मास्क जरूर लगाइए, स्टे अवे स्टे सेफ, ताकि आप लोगों के या हम सभी लोगों के संक्रमित होने की संभावना बहुत कम हो सके। दोस्तों, इन्हीं सभी परिस्थितियों के बीच हम देखते हैं कि अगर हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, दोस्तों मैं तो आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि टर्म इंश्योरेंस प्लान एक जरूर करवा के रखिए। अगर आप अपने घर के इकलौते कमाने वाले हैं या कमाने वाले थे, तो एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर रखिए, क्योंकि दोस्तों ये सही समय पे आप लोगों को कारगर सिद्ध हो सकता है। ठीक है, निवेश जो करते हैं वो आप कहीं कहीं आप अपनी कैपिटल पूंजी लगाते हैं, लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है उसका एक बहुत ही बेहतरीन फायदा होता है, जो मैं टर्म इंश्योरेंस प्लान पर वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप टर्म इंश्योरेंस के बारे में देख सकते हैं कौन सा टर्म इंश्योरेंस अच्छा है, कौन सा टर्म इंश्योरेंस बेटर है। ठीक है दोस्तों, तो आप अभी मैं आप लोगों को, आपने नाम सुना होगा, फेसबुक और जियो की डील हुई थी। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी है जिस कंपनी में विदेशों से देश, अपने डोमेस्टिक और फॉरेन कंट्री सब जगह से निवेश आ रहा है। तो इसी कड़ी में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक इंटेल कंपनी है दोस्तों, इंटेल यूएसए की सेमीकंडक्टर कंपनी है। इंटेल अमेरिकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। इंटेल कॉर्पोरेशन एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम और प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय सांता क्लारा कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में है। इसका मुख्यालय सांता क्लारा सीए में है। इसके संस्थापक दो हैं, रॉबर्ट नोस और गार्डन मोरे। इसमें कुल कर्मचारी 110,200 हैं। तो दोस्तों मैं इंटेल की बात कर रहा हूं, अभी इंटेल ने हाल ही में रिलायंस जियो में, रिलायंस रिटेल में, जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी, इस कंपनी में फेसबुक जियो डील और सिल्वर लेक जो इन्वेस्टमेंट फॉर्म है यूएसए का, सिल्वर लेक और जियो डील और रिलायंस ग्रुप का जो रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप, किशोर बियानी का जो फ्यूचर ग्रुप की बहुत सारी कंपनीज हैं, बिग बाजार है, सेंट्रल मॉल है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी इसमें कंपनी है, तो उन सभी ने इन्वेस्ट किया है। तो अभी हाल ही में आज ही इंटेल जियो डील हुई है। इंटेल जियो डील के बीच बता देता हूँ, यूएस सेमी कंडक्टर गायंट टू इन्वेस्ट ₹1894.5 करोड़ इन RIL यूनिट। जी हाँ दोस्तों, इंटेल जो यूएस की सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली कंपनी है, वो ₹1894 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इंटेल में कुल 110,200 कर्मचारी हैं और एक यूएसए की एक बहुत बड़ी गायंट है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है दोस्तों, और इंटेल बिकम सेकेंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इन जियो प्लेटफॉर्म्स आफ्टर फेसबुक। फेसबुक के बाद सबसे ज्यादा अमाउंट लगाने वाली, इस कंपनी में निवेश करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इंटेल ही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज डिजिटल यूनिट हैज नाउ रीच्ड अ टोटल ₹1,17,588.45 करोड़। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज डिजिटल ने अभी तक जितने डील हुए उससे ₹1,17,588.45 करोड़ जुटाई है फ्रॉम सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग टेक इन्वेस्टर्स इन एक्सचेंज फॉर 25.09%। जी हाँ दोस्तों, ये अपने पूरे स्टेक में 25.09% की हिस्सेदारी का निवेश ले चुकी है।
तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट है फेसबुक के बाद इंटेल का। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया पीछे की स्लाइड्स में कि सिल्वर लेक इन्वेस्टमेंट फर्म यूएसए की, फ्यूचर ग्रुप जिसके मालिक किशोर बियानी है, इन्होंने भी निवेश किया है, और रिलायंस का अपना रिलायंस इंटरटेनमेंट और रिलायंस जियो, रिलायंस इंडस्ट्रीज डिजिटल, ये दोनों भाइयों का भी कम्बिनेशन हुआ है। तो दोस्तों इस कंपनी में कुछ खास तो है, इसलिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, सुझाव दूंगा कोई भी इन्वेस्टमेंट। मैंने काफ़ी इसको सर्च किया है और अपना एनालिसिस भी इसमें किया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में आप अपने रिस्क एपेटाइट के, जितना आपको खतरा लगता हो, जितना आप निवेश करते हैं उसमें आपको कितना रिस्क है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, दोस्तों मैं इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए कि इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। मैं आप लोगों को जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसके ओनर मुकेश अंबानी जी हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई के महाराष्ट्र में है, और ये अगर माने तो ये विश्व की जो है काफ़ी अच्छी कंपनी है, और इंडिया में टॉप लेवल पे है निवेश के मामले में भी और प्रोडक्शन के मामले में भी। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए। इस स्टॉक को मैं वीडियो के आखिरी में इसका थोड़ा सा और एनालिसिस करके आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगेगी तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रमोद को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन जरूर दबाइए दोस्तों। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट सभी लोगों को मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो आगे की सीरीज में हम इसी में देखते हैं दोस्तों आगे की स्लाइड में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का क्या स्कोप है, कितना स्कोप है, ये भविष्य में फ्यूचर में इनका क्या प्लान है, और कितना निवेश ये विदेशियों और देश से अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से जुटा पाएगी। दोस्तों अगर हम जाते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस देखते हैं तो बीएससी में अभी 1760.55 रुपये यानी 22.65 रुपये की उछाल से 1.3% की उछाल से कल 2 जुलाई को क्लोज हुआ था। तो दोस्तों मैं आप लोग इसमें सुझाव देना चाहूंगा, गो फॉर लॉन्ग टर्म इन दिस स्टॉक। दोस्तों अगर आपके पास पैसे नहीं, मान लीजिए आपको 10 शेयर लेना है, 10 शेयर की वैल्यू 17,600 रुपये होती है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपके पास बैलेंस नहीं, आप इमरजेंसी फंड बचा के रखिए, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है इस कोविड-19 महामारी में। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन एक फंड आप सुरक्षित रखिए, चाहे इमरजेंसी फंड है वो आप लोगों को कभी भी हेल्प कर सकती है और इस वैश्विक महामारी से निजात दिला सकती है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आप करके चलिए भविष्य के लिए, जैसे आप ये स्टॉक के 2 शेयर ले लीजिए, 1760 ठीक है, 3520 रुपये का शेयर पड़ेगा। दोस्तों 1 से 2 शेयर आप लीजिए, वीकली लीजिए या मंथली लीजिए, जैसा आपका बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप जाइए। और चीज़ें क्या होती हैं इसमें कि यही आपका इन्वेस्टमेंट, लोग नहीं कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, तो उस तरीके से एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप लोग निवेश कर सकते हैं। दोस्तों मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रमोद को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए दोस्तों, ताकि सबसे लेटेस्ट जानकारी, सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। प्लीज़ लाइक, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ये जानकारी पहुंच सके। अगर दोस्तों वीडियो में कोई डाउट हो तो वीडियो में जाके कमेंट कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, अगर मैं कहीं गलत हूं तो उसका सुधार जरूर करूंगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ऑनलाइन प्रमोद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का अपना ना भूलें।